ये वीडियोकॉन का एलसीडी टीवी है, इसमें प्रॉब्लम है, ग्रीन पिक्चर आ रही है और बाकी यहाँ पे कोई कलर नहीं है। अब देखिए, इस टाइप के फॉल्ट को ट्रेस आउट करने के लिए सबसे पहले हमें LVDS पे जाना है और वहीं से क्लियर होगा, यानी इस पिक्चर को क्लियर करने के लिए हमें मदरबोर्ड और पैनल दोनों को क्लियर करना होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले वोल्टेज को चेक करेंगे, यानी जो हमारे 8 GB 0 -0 +1 -1 +2 -2 +, ये सारे वोल्टेज हमको, जो कि बेसिक वोल्टेज हैं, इसे हमें यहाँ पे ट्रेस आउट करना है और इसके वोल्टेज को चेक करने के बाद ये क्लियर करना है कि प्रॉब्लम कहाँ से है, क्योंकि कभी कभी ये प्रॉब्लम हमारे LVDS केबल से भी होते हैं, सॉकेट से भी होते हैं, कार्बन आ जाने की वजह से होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम आपको एक बेसिक जो कि क्लियर करने का फंडा है उसे आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये सारे सिग्नल यहाँ पे जो इन हो रहे हैं, इनको हम सबसे पहले वोल्टेज को चेक करते हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज को चेक करने के बाद हम इसे DSO से क्लियर करेंगे, यानी दोनों मल्टीमीटर भी और DSO दोनों को यूज करेंगे और यहाँ क्लियर करना है कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो देखिए, यहाँ पे जो है हमारा ग्रीन कलर का जो सिग्नल इन हो रहा है, यहाँ पे 1.3 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी सभी सिग्नल पे जो वोल्टेज हैं वो सब वोल्टेज आ रहे हैं। वोल्टेज आने के बाद भी जो है ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। अब इसे हम टेस्ट आउट करते हैं कि फॉल्ट ये मदरबोर्ड से है कि पैनल से है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ये वोल्टेज तो क्लियर हो गया, ये 5 वोल्ट का पैनल है। अब चलिए इसे U11 वोल्ट से चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पिक्चर परफेक्ट है, यानी पैनल हमारा ओके है। अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या है, ये क्लियर हो गया कि भी इस वीडियोकॉन का मदरबोर्ड में फॉल्ट है। अब इस फॉल्ट को कैसे चेक करना है, यानी यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है इसका, ये जो है ये तो है इस वीडियोकॉन का, यानी जो पहले के लगा हुआ है, और दूसरा जो आप लगा देखे हैं ये है, यहाँ पर आपको दिखा दें इसे पहले एक बार क्लियर कर लीजिए, ये देखिए पूरी तरीके से क्लियर है यहाँ पे। अब आइए यहाँ पे देखें U11 वोल्ट के LVDS सिग्नल, जो कि यहाँ पे DSO में और मल्टीमीटर में दोनों में आपको देखने को मिल रहा है, 1.3 वोल्ट यहाँ पे दिख रहा है। एक बार DSO में देखें तो वहाँ पे भी जो है ये 1.39 वोल्ट जो यहाँ पे है, ये वोल्टेज यहाँ पे है। अब इसके बाद यानी ये प्लस माइनस कोई भी एक सिग्नल हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, इसके बाद हम जो है हम इसके बोर्ड को, यानी वीडियोकॉन के जो मदरबोर्ड हैं उस पे हम आपको ले चलते हैं इसी तरीके से, और यहाँ पर दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज मल्टीमीटर से देखे हैं वो मल्टीमीटर से तो शो हो रहा है, लेकिन हम इसे DSO से क्लियर करेंगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी वहाँ पे जो दिखाई देगी, यहाँ पर देखें, -2 +, पे एक सेकंड इसे हम ऑटो पे करते हैं। ये देखिए 2 -2 +। अब यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे, अभी मल्टीमीटर से हम क्लियर करते हैं, ये देखिए मल्टीमीटर पे
एक सेकंड दिखाई नहीं दे रहा है, ये इधर कर देते हैं। इसके लाइट को ऑन करते हैं, बैक लाइट को। अब देखिए यहाँ वोल्टेज मल्टीमीटर पे देखिए 1.3 वोल्ट शो हो रहा है। अब इस तरीके से यहाँ पर देखें, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये तो हिल गया है। ये देखिए यहाँ पे जो है वोल्टेज शो हो रहा है, और इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को, तो यानी वोल्टेज शो है लेकिन यहाँ पे सिग्नल नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्लियर करने का ये फंडा इस तरीके से देखें, U11 बोर्ड पे थोड़ा सा सेट कर लें, एक सेकंड। ये देखिए 2 माइनस 2 प्लस पे, जो कि 1.3 वोल्ट उसमें भी था और इसमें भी है। अब अंतर क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं हो रही है, यानी इंटरनल जहाँ मदरबोर्ड से आना चाहिए वो सिग्नल यहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं, केवल एक सिग्नल ग्रीन अवेलेबल है जिस पे पिक्चर इस तरीके से दिख रही है, और वो भी बहुत नॉर्मल, बहुत कम ही बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम दोबारा इस U11 बोर्ड पे फिर से हम यहाँ पे लगा के, यानी ये पेन ड्राइव लगा के, और पिक्चर आपको इस पैनल पे इस केबल को कनेक्ट करके, यानी LVDS केबल को इस पैनल पे लगाएंगे, और इसके बाद हम इसके पिक्चर को देखेंगे। इस तरीके से इसे लॉक कर देंगे। अब ये सप्लाई देखिए दे दिए। अब इसके बाद देखिए पिक्चर, इसी तरीके से आपको मदरबोर्ड रिपेयरिंग या पैनल रिपेयरिंग में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी देखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको उसमें जो है मल्टीमीटर में वोल्टेज शो करेगा फिर भी काम नहीं करेगा। तो उसे क्लियर करने के लिए मैं और भी इजी तरीके से कुछ मेथड्स हैं जो कि हम आपको आने वाले वीडियो में देंगे, कि कैसे मदरबोर्ड की रिपेयरिंग होती है और पैनल को, उसके सिग्नल को कैसे वेरीफाई किया जाता है कि ओके है या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।